आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईटीआई अड्डा बाय ललित सर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सीटीआई एडमिशन फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम 15/6/2020, मतलब 15/6/2020 से आपके सीटीआई के ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं या आ जाएंगे और भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 15/6/2020 से एलिजिबल हो जाएंगे आपके फॉर्म्स भरने के लिए। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। आइए देखते हैं सीटीआई का फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। टेंथ की मार्कशीट, आपकी जो टेंथ की मार्कशीट है वो, आपका आईटीआई की मार्कशीट, आपका डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट, मतलब अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट, अगर आप आईटीआई हैं तो आपकी आईटीआई की मार्कशीट, आपकी ट्वेल्थ की मार्कशीट, आपका एक फ़ोटो और साइन का स्कैन कॉपी, मतलब आप एक आपके फ़ोटो और साइन की स्कैन कॉपी इसमें लगेगी। इसके बाद आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। रेसिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंस मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, इसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र, और आपकी टीसी मतलब आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपको आपके लास्ट स्कूल या लास्ट कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इस केस में आपका आईटीआई का कॉलेज या आपके डिग्री डिप्लोमा का जो कॉलेज होगा वो आपको इसकी टीसी प्रोवाइड करेगा, वो आपकी यहाँ लगेगी एडमिशन के वक्त। चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता, मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ इसकी वेबसाइट पर। तो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट के कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट पर ये किस तरह का आ रहा है। तो अपडेट सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ आप देख रहे हैं सीटीआई 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 15/6/2020, 15/6/2020 से सीआईटीएस 2020 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह की एक हेडिंग बनकर आ चुकी है और आप लोग तैयार हो जाएं, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। सबसे पहले बता देता हूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस के बारे में। सो एनटीसी एनएसी मतलब आपको एनसीबीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप सीटीआई करना चाहते हैं उस ट्रेड की आपके पास एनसीबीटी की आईटीआई की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिग्री डिप्लोमा हैं तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन या उस यूनिवर्सिटी के इक्वलेंट, या तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो या उसके इक्वलेंट कोई कोर्स आपने किया हुआ हो। चलिए देखते हैं ये लास्ट ईयर का आपकी फ़ीस है, लास्ट ईयर कितनी फ़ीस थी, तो आप आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि शायद ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप देख चुके हैं। इसके बाद आपकी एंट्रेंस एग्जाम फीस 500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स, 300 फॉर एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप एंड वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए ये फॉर्म कुछ सस्ता होता है, एंड एसटी एससी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए ये फॉर्म 300 रुपीज़ का होता है। आप पेमेंट किसी भी नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। रिजर्वेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सीआईटीएस कॉलेजेस में रिजर्वेशन होता है। देखिए ये एक हेडिंग चल रही है आपके सामने, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, एक मिनट। ओके देखिए आपके सामने एक हेडिंग अपडेट्स में आप देख पा रहे हैं, एक हेडिंग आपके सामने चल रही है। इस हेडिंग में आपके सामने आ रहा है निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन अपडेट्स विल बी शोन हेयर, अपडेट्स यहां आपको मिलते हैं। सीआईटीएस 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 15/6/2020, मतलब 15/6/2020 से आपके सीटीआई के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, एंट्रेंस एग्जाम, पेमेंट ऑफ फीस, रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कुछ एग्जाम सिटीज़ हैं जो सीटीआई के लिए एलिजिबल हैं, टोटल 26 सिटीज़ में लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था। थैंक यू।